सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट वाइफ वंदना चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइस, मैं हूँ वंदना और आज मैं लाई हूँ लोटस की तरफ से जो नई रेंज आई है ना लोटस ऑर्गेनिक्स की। तो लोटस ऑर्गेनिक्स की तरफ से काफ़ी चीज़ें लोटस ने लॉन्च की हैं इंडिया में और इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अच्छे इसलिए लगे क्योंकि ये है 99% नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ, मतलब कि 99% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें एक्टिव है और 100% ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हैं जैसे कि इस पर लिखा ही हुआ है लोटस ऑर्गेनिक्स प्लस 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक्टिव प्लस वाइट पियोनी फ्लावर्स के साथ में है ये, जो आपकी स्किन की ल्यूमिनोसिटी और इवन स्किन टोन को बनाने में मदद करेगा। प्लस इसमें एक बेनिफिट और मिल रहा है SPF 20, और ये प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस से है फ्री। तो काफ़ी अच्छी मुझे मतलब अट्रैक्टिव सी रेंज लगी है तो मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया गाइस। लेकिन इसके प्राइस की बात करें तो 50 ml के लिए आपको देना होगा 50 ग्राम के लिए आपको देना होगा 845 रुपये। इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है पर मैंने 550 में खरीदी थी। कुछ डिस्काउंट अभी इस पर कम ही चल रहा है क्रीम पे, कुछ डिस्काउंट के साथ खरीदी थी मैंने 550 रुपये की क्रीम। मैंने अभी इसे 20 डेज यूज़ किया हुआ है तो गाइस मैंने 20 डेज में क्या इफेक्ट पाया अपनी स्किन पे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लस थोड़ी सी मुझे महंगी लगी और वैसे इतना अच्छा लग्जरी प्रोडक्ट है तो गाइस ये महंगा ही आता है। ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स की भी क्रीम आती हैं ऑर्गेनिक्स में तो महंगी ही रहती है थोड़ी सी लग्जरी में। तो हम जान लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है और इसका टेक्चर कैसा है। हाउ टू यूज़, आप इसे फेस वॉश करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी स्किन में क्या इफेक्ट लेकर आएगा उसके बारे में मैं बताती हूँ। ये आपकी स्किन में जो ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगा आपकी स्किन के ये। और वैसे मेरे स्किन में डार्क स्पॉट नहीं है, ब्लेमिशेस नहीं है, ना ही पिगमेंटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं इसके बारे में श्योरली नहीं बता सकती आपको, लेकिन यस ब्राइटन के बारे में कहें तो इसको लगाने के बाद स्किन ब्राइटन तो लगती है थोड़ा, और अगर आप इसको पर डे लगाते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ब्राइटन आपको फ़र्क दिखेगा। प्लस ल्यूमिनियस सॉफ्ट लगती है स्किन, मॉइस्चराइज्ड लगती है, तो काफ़ी पसंद आई मुझे। कोई ईचिंग वगैरह नहीं हुई, कुछ एलर्जी टाइप तो मुझे तो नहीं हुई। आप चाहे तो पैच टेस्ट करके पहले देख लें थोड़ा सा लगा के कि कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हम। बाकी इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है कि ये प्योरेस्ट फ्रॉम अ क्वालिटी ऑफ अश्योर्ड हाई परफॉर्मेंस, कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ताकि हाई परफॉर्मेंस दे। प्लस ये वीगन है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये बायो एक्टिव इसमें जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो बायो एक्टिव्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, ऑर्गेनिक बटर है, प्लस नो पैराबिन, पेट्रोलियम एंड सल्फेट। और इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है, 2 साल की सेल्फ लाइफ है, 2019 में लिया है तो 2022 तक चलेगा, सेल्फ लाइफ भी बढ़िया लगी। तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। पैकेजिंग, ये ग्लास पैकेजिंग है, काफी क्यूट सी ब्यूटीफुल पिंक कलर के बॉक्स में ऐसे पैकेजिंग है इसकी, पिंक कलर की है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में, बहुत अच्छी मुझे लगी इसकी पैकेजिंग। देख सकते हैं आप ये पिंक कलर की ऐसे निकलती है, पर ये गाइस है कांच की तो आपको इसको केयरफुली रखना होगा, ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, कहीं गिरे ना जाए इसलिए आपको। और थोड़ी सी हैवी भी है ये, थोड़ी हैवी है ये, और ऐसा सिल्वर कलर का इसका कैप है। ये देखिए इसकी फ्रेगनेंस लाइट रोज वाली फ्रेगनेंस है, काफ़ी अच्छी है और अच्छे से आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है ये क्रीम। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी जल्दी अच्छे से आसानी से ऑब्जर्व भी हो जाती है क्रीम और आपको फ़र्क भी तुरंत ही देखने को मिलेगा। स्किन मुझे अपनी थोड़ी सॉफ्ट लगती है इसको लगाने के बाद, अब हैंड पे तो मैंने खैर अप्लाई नहीं की थी, देखते हैं।
आपको हैंड पे भी साफ साफ फर्क दिख सकता है। आप देखेंगे ये थोड़ा ग्लोई स्किन लग रही है और ये वाली उतना ग्लोई नहीं है, और इसमें फर्क भी दिख रहा है, ब्राइटन भी लग रहा है इससे ज़्यादा, आप फर्क साफ देख सकते हैं। इस वाले हाथ में क्रीम लगी हुई है, इस वाले हाथ में नहीं लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यस, आप इस क्रीम को बाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट था इसको लेने में तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गया हूँ, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।